اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین، آج شاہین سزوکی کار کمیٹی کی پہلی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ کمیٹی کی قرآن دازی سے پہلے تھوڑا سا میں طریقہ کار بتا دوں، تاکہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سب دوستوں تک پہنچے گی، جہاں جہاں بھی ہمارے ممبر ہیں وہاں تک پہنچے گی، کیبل پر چلے گی۔ تو ایک دفعہ تو میں دہرا دوں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہماری جو کمیٹی ہے اس کا شیڈول، ہماری کمیٹی 29 ماہ پر مشتمل ہے، ماہانہ 1200 روپے ادا کرنے ہیں اور 500 ممبران ہیں اس میں، اور 500 ممبران اور 500 ہی انعامات ہیں، یعنی کہ ہر ممبر کے لیے انعام ہے۔ ہر مہینے ایک قرآن دازی ہوا کرے گی۔ پہلے 15 مہینے کا شیڈول میں بتاتا ہوں، پہلے ہر مہینے ایک قرآن دازی ہوا کرے گی۔ پہلے 4 ماہ یعنی کہ 1 سے 4 ماہ تک کراؤن لفان 70 cc کراؤن لفان انعام نکلا کرے گا ہر مہینے، یعنی کہ 1 کراؤن لفان نکلا کرے گی بذریعہ قرآن دازی۔ اور 5ویں سے لے کے 9ویں ماہ تک ہر مہینے 1 125 ہونڈا 125 نکلا کرے گا۔ 10ویں ماہ سزوکی مہران کار، اور 11ویں سے 14ویں ماہ تک یعنی کہ 4 ماہ ہر مہینے 1 عدد کراؤن لفان 70 نکلا کرے گی۔ 15ویں ماہ پھر مہران کار نکلے گی، جیسا کہ شیڈول میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن میں پھر ایک دفعہ دہرا رہا ہوں، 15ویں ماہ کے بعد اگلے 4 ماہ یعنی کہ 16ویں سے 19ویں ماہ ہر مہینے 2-2 ٹوکن نکلا کریں گے، یعنی کہ 2 لوگوں کو بذریعہ قرآن دازی 70 cc کراؤن لفان دی جائیں گی۔ اس کے بعد 20ویں ماہ آئے گا، اس 20ویں ماہ کو 1 قرآن دازی ہوگی اور 1 مہران کار نکلے گی۔ اس کے بعد 21ویں سے
24वें माह तक हर महीने दो कुरंदा दी हवा करेगी और क्राउन लिफान 70cc मोटरसाइकिलें दो दो हर महीने निकला करेंगी। अगले और आखिरी पाँच माह हर महीने दो दो मोटरसाइकिलें हैं, एक क्राउन लिफान 70 होगी और एक यामाहा जनून होगा। 29 माह का ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आखिरी माह हमारी फाइनल कुरानदाजी होगी और फाइनल कुरानदाजी में बाकी मानदा दो कारें और 26 क्राउन लिफान 70cc मोटरसाइकिलें और 250 डॉलर्स 9170 WB फ्रिजें और 1 टन AC डॉलेंस 180 इनामत निकाले जाएंगे। इस तरह 500 के 500 मेंबरान के इनामत और कुरानदाजियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। आज पहली कुरानदाजी है, इसका तरीकाकार ये होगा कि हमारे पास ये टोकन नीचे लगे हुए हैं, जैसा कि आपने पहले देखा कि हर मेंबर का एक टोकन नंबर है और ये टोकन नंबर नीचे कपड़े पर बिछा दिए गए हैं ताकि हर मेंबर खुद देख सके। जो लोग हाज़िर हैं और जो हाज़िर नहीं हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद होगी। इन टोकनों को हम इकट्ठा करके इसी ये जो कपड़ा है इसी में इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालेंगे, गड्ढा पहले चेक करवाएंगे कि ताकि पता चल जाए सबको कि भाई ये कोई भी तसल्ली कर सकता है, यहाँ से खड़े जो अफराद हैं दोस्त हैं कोई भी तसल्ली कर सकता है गड्ढे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी हुई या टोकन पहले से तो नहीं लगा हुआ, तो उसकी तसल्ली करके ये सारे टोकन उसमें डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर मजमे में कोई भी फर्द कह सकता है जी फलां बच्चे से ये टोकन निकलवाएं, वो बच्चा आएगा और एक टोकन निकालेगा, जिसका वो टोकन होगा उसको मुबारकबाद। हाँ जी, कमेटी की डेट भी नेक्स्ट वीक जो है ना उसका, और आइंदा से जो कमेटी, आज चूँकि पहली कुरानदाजी थी, पहली कुरानदाजी की डेट कोई फिक्स नहीं होती, जो एक दफ़ा डेट देते हैं वो एक आगे पीछे हो जाती है। वैसे तो हम लोगों ने 12 दिसंबर को पहली कुरानदाजी करनी थी, लेकिन चूँकि हमारे पास मेंबर पहले ही पूरे हो गए तो हमने इसको 21 नवंबर को ही कर दिया। जो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 21 नवंबर है। शफीक साहब डेढ़ लगी हुई ऊपर, डेढ़ लगाते हैं। और आइंदा जो कमेटी होगी, दूसरी कमेटी आपने जो पे करनी है वो 10 दिसंबर से पहले पहले अदा करनी है। इसी तरह हर महीने 10 तारीख हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले आपने कमेटी जमा करवानी है और 12 तारीख को कुरानदाजी हुआ करेगी। ये जी गड़ा किस्मत वाला और पक्का गड़ा है, जाहिर है जी किसी को पार लगाएगा, कोई भी दोस्त चेक करना चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, चेक करें जी। ठीक है, ठीक है, नहीं करो नहीं, मार के अच्छी तरह तसल्ली करो ना, सामने वो कैमरे से ठीक है, अंदर से हाथ डाल के पतला आदमी आ जाए, पतला आदमी मूवी नहीं बनती इधर आई ठीक है, मिट्टी निकली बाहर घड़ा ठीक है। जी मैं एक और नाज़रीन से एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगले माह से जिस शख्स की जिस मेंबर की कमेटी नहीं आएगी उसका टोकन बाहर निकाल दिया जाएगा। आज चूँकि मेंबर सब के पैसे अदा हो चुके हैं और पूरे टोकन नीचे पड़े हुए हैं, आइंदा से टोकन हम लगाएंगे लेकिन जब कुरानदाजी करने से पहले हम वो टोकन बाहर निकाल लेंगे, वो कुरानदाजी में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने पैसे देने हैं, उस मेंबर ने पैसे अगले माह डबल दो माह के करके देने हैं, लेकिन उसका उस माह कुरानदाजी में नाम शामिल नहीं होगा जिस माह वो पैसे अदा नहीं करेगा। और जो इनामत निकलते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज कोई टोकन नंबर निकलता है, आइंदा से वो टोकन इसमें शामिल नहीं होगा और वो मेंबर हमें कोई आइंदा से कोई पैसा भी अदा नहीं करेगा, वो भी फारग हम भी फारग जी। तो प्रोसेस शुरू करते हैं, प्रोसेस शुरू करने से पहले ये टोकन सारे इकट्ठे करने हैं और इकट्ठे करके इनको मिक्स करना है कपड़े के अंदर। हाँ जी, ऐसे इकट्ठे करके आ जाते हैं।
ਇੰਜੇ ਨਾ ਮੁੱਠਾ ਦੋ ਦਿਨ ਭਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਹ ਘੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਘੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਸੱਟੋ ਭਾਣ ਘੜਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦਾ ਘੜਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨੀ ਘੁੰਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੈਕਟ ਹੋਗਿਆ ਸਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਜੂ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਚਲੀਏ ਫੈਸਲ ਸਹੀਦ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 417 ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਓਕੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਬ ਰੱਖ